चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, एक स्वर्ण अक्षरों में इसे लिखा गया है, वीरों की धरती, वीरांगनाओं की धरती, भक्ति की नगरी, शक्ति की नगरी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती, पन्ना धाय की धरती, महारानी पद्मनी की धरती और मीराबाई की धरती। वैसे तो इनकी कर्म भूमि ये रही है, लेकिन इन्होंने कर्म इतना अच्छा किया कि ये पूरा किला ही इतिहास में खुद ही सर्वांगीण बन गया। विश्व के किसी भी कोने में, अगर भारत देश ही नहीं, विश्व के किसी भी कोने में अगर हम इसे ढूंढते हैं तो ये स्वर्ण अक्षरों में खुद ब खुद बयां हो जाता है। घड़ा घड़ा पण एक सिरमोर, वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सभी जानते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक यहीं आ रहे हैं। महाराणा कुंभा जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीत प्रेमी थे, स्थापत्य कला के एक प्रख्यात थे, जिन्होंने यहाँ की स्थापत्य कला को बनाया था, एक एक पत्थर को चुन चुन कर उन्होंने रखा था। कारीगरों की कारीगरी देखने लायक है। आज भी वो पत्थर वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। वहाँ की कलाकृति जैसे जीवंत बोलती है, पर्यटकों को आकर्षित करती है। महारानी पद्मनी का जौहर विश्व प्रसिद्ध है। कुंभा महल आप यहाँ देख सकते हैं, उसी तरह फतेह प्रकाश महल भी यहाँ स्थित है, जहाँ पर इतिहास की वो पुरानी यादें, वो धरोहर यहाँ पर देखने को मिलती है। श्रृंगार चौरी आप यहाँ देख सकते हैं। हर एक कला के अंदर कारीगरी है, कारीगरी ने दिल से इसमें काम किया और इस खूबसूरत किले को गढ़ा। किले के साथ साथ इस नगरी का भी अपना एक इतिहास रहा। युद्ध काल में जब यहाँ युद्ध हुए तो लगातार यहाँ पर बहुत खून बहा था, इसलिए इस धरती की मिट्टी भी लाल है। कहते हैं कि इस मिट्टी को जिसने चूमा वो हर एक बाल गोपाल बना, वीर बना। इस धरा को एक वीरों ने सींचा अपने खून से। उसी तरह मीराबाई के बखान, उनकी लिखी हुई गीतिका, उनकी लिखी हुई प्रसिद्ध पंक्तियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। मीराबाई को जग जग में, युग युग में, युगांतर में पुकारा जाता है। मीरा ने घनश्याम की भक्ति की थी, इसलिए मीराबाई का मंदिर भी यहाँ प्रसिद्ध है। वीरांगनाओं ने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। यहाँ की हर एक बेटी आज भी वीरता का गुण रखती है। उसी तरह एक बच्चा, वो भी अपने अंदर एक वीरता का गुण रखता है। कितना बयां करें इस चित्तौड़गढ़ को, गढ़ों में गढ़ है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान राज्य का एक मुख्य ऐतिहासिक नगर है। इसे भारतवर्ष के महान वीर राणा प्रताप का गढ़ और जौहर की भूमि भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ शहर 15वीं शताब्दी में मेवाड़ की राजधानी था। यह भूमि शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी निमित्त हैं। आशा दीदी जी का जन्म 1964 में महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में हुआ। बचपन से आप समाज सेवा में विशेष रुचि रखती थीं। आप नम्रचित, निर्माणचित, ममतामयी
और मृदुभाषी हैं। आपका विशेष गुण क्षमा भाव है। भगवान के दर्शन की प्यास में आपको 1979 में जलगांव में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। धरती पर भगवान का अवतरण हो चुका है। इस सत्य को समझते ही आप अपनी लौकिक पढ़ाई M.Com पूरा करके 1991 में ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गई। तब से आप जलगांव, मालेगांव, अजमेर, नागौर आदि स्थानों पर सेवा करते हुए 1998 से चित्तौड़गढ़ में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जनजन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 4 उपसेवा केंद्र तथा 30 BK पाठशालाओं में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले रहे। मेरा नाम राजेंद्र श्रीवास्तव है। मैं चित्तौड़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे में सहायक अभियंता जलदाय विभाग में कार्यरत हूँ। मैं 2009 से ज्ञान में चल रहा हूँ। मैं जब से दीदी से मिला, उनके जीवन से मैंने कई चीज़ें सीखी हैं। मेरा कार्यक्षेत्र ऐसा है जिसमें मुझे कई लोगों से संपर्क करना पड़ता है, मीटिंगों में भाग लेना पड़ता है, लेकिन एक विश्वास जो मेरे अंदर जागा है, हिम्मत जागी है उनके जीवन से, तो मेरा अपना सारा मेरा कार्य बड़ा सहज हो जाता है। मीटिंगों में जब पहले मैं मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन अब बड़ा सहज होकर के अपनी सारी मीटिंगें अटेंड करता हूँ। कई लोगों से मुझे संपर्क करना पड़ता है, बड़े बड़े लोगों से मेरा संपर्क होता है, तो मैं बहुत इजीली और बहुत विश्वास के साथ मैं अपना सारे कार्य सहज रूप से निपटा देता हूँ। ओम शांति। हमारा नाम वर्षा है। हम ज्ञान में 10 साल से हैं। अभी चित्तौड़गढ़ आशा दीदी उनके साथ 2.5 साल हुए हैं। तो दीदी जी, उनसे हमने बहुत सारी प्रेरणाएँ ली, तो जैसे कि वो लॉ फुल भी है और लव फुल भी है, उसके साथ साथ एक नामी इकोनॉमिक भी है। तो हमारे जो जीवन का एक लीडर के रूप में दीदी जी हमारे सामने हैं, और ऐसे दीदी जी उनका हम बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं जो हमारे जीवन में हमने प्यारे दीदी जी उनका साथ पाया। ओम शांति। मेरा नाम भालचंद्र वानखेड़े है। मैं करीब सन 2000 से इस केंद्र से जुड़ा हूँ, और केंद्र से जुड़ने के बाद मैं केंद्र से जुड़ा, आशा दीदी ने जुड़वाया, आशा दीदी से संपर्क हुआ, आशा दीदी ने मेरा 7 दिन का कोर्स किया। दीदी का कोई भी जैसे किसी विषय पर यदि अपना मुरली हो, चाहे बाबा के संबंध में कोई भी चिंतन हो, तो उसको विश्लेषण बहुत बढ़िया ढंग से करते था कि हमारे को तुरंत समझ में आ जाता है कि बाबा आज क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, विस्तार से कहती है और बहुत कम समय में कह देती है दीदी, ज़्यादा समय भी नहीं लगाती है, और समय का सदुपयोग कैसे किया जाता है वो दीदी से हमने सीखा। मेरा नाम गीता है। वो जब भी मुरली सुनाते हैं तो बहुत ही मतलब एक उसके अंदर विशेषताएं भर करके अपनी वाणी के द्वारा बाबा की बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैंगे, तो वो जो सुनने वाले हैं तो उनके मन के अंदर एकदम घर कर जाती है वो बात, लगती है, मतलब वो बोलते हैं तो एकदम आत्माओं के अंदर जागृति आती है, उत्सुकता आती है, उत्साह आता है, उमंग आता है। तो इसलिए जब भी वो कोई भी सेवा बतलाते हैं या कोई भी और भी कुछ बतलाते हैं, तो वो कोई भी आत्मा ये नहीं कि भाई ना नहीं करेगी, उसको करना ही है, मतलब उनका साथ हर आत्मा देने को तैयार होगी। मेरा नाम कमलेश है और मैं 8 साल से ज्ञान में हूँ। हमारी दीदी में एक अच्छी, बहुत अच्छी विशेषता है, कम खर्च बाला नशीन, और कम खर्च में किस प्रकार से अच्छी सेवा की जाए और इस प्रकार इस सेवा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। ओम शांति। मेरा नाम बीके अनीता है। मैं पिछले 17 वर्ष से ज्ञान में चल रही हूँ। दीदी जी की काफ़ी विशेषताएं मैंने उनके अंग संग रह करके सीखी हैं, देखी हैं।
दीदी की ये विशेषता बहुत अच्छी है कि दीदी सबको पालना बहुत अच्छे से देती है, एकदम माँ के जैसे हम बच्चों को पालना देती है और सिखाती है। विशेष नम्रता का भाव दीदी में बहुत है। उनकी कला बहुत अच्छी है कि दीदी सबको बहुत जल्दी अपने समान बनाने के लिए हमें शिक्षा देती है, हमें सदा ही प्रेरित करती रहती है ताकि हम भी उनको फॉलो करें और उनके जीवन से हम सीखें। जैसे धैर्यता, नम्रता, सहनशीलता दीदी में बहुत कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं दीदी ने इस यज्ञ में आए हैं तो दीदी ने बहुत कुछ सहन किया है और वो आज हम उनके चेहरे से देखते हैं। ओम शांति। शरीर का नाम मीना बहन है। ज्ञान में चलते हुए 25 वर्ष में जब से हम प्यारे प्यारे मीठी दीदी जी के पालना में पल रहे हैं, उनसे हमें कई प्रकार की प्रेरणाएं मिली है। जब भी हम सेवा स्थान पे जाते हैं, सेवा करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें ऐसा प्रेरणादायक अनुभव होता है कि दीदी जी हमारे साथ है और हर कार्य में सदा आगे हमें बढ़ाती है और बढ़ाने की ऐसी राय देती कि जो भी भाई बहन हो उनको भी हमें कैसे स्नेह प्यार से चलाना है और युक्तियुक्त उनसे कैसी सेवा करानी, ये भी कई प्रकार की अनुभव हमने दीदी जी से सीखे। दीदी जी से मिलके हमारे जीवन में एक स्वच्छता, सफाई, अलर्टनेस जो भी होता है, कैसे यज्ञ में हमें ईमानदारी से कैसे यज्ञ को आगे बढ़ाना है और भाई बहनों को प्यार से पालना देनी है, ये ऐसी चीज़ें दीदी से हमने बहुत अनुभव की। मेरा शरीर का नाम बेला एरन है। मैं 10 साल से ज्ञान में हूँ। दीदी से मिल के परिवर्तन जो मैंने बताया कि हम जैसे योग में अलबेले थे, ठीक है, हम ज्ञान में चल रहे थे लेकिन हमारा योग इतना पावरफुल नहीं था। दीदी के साथ रह करके हमने सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा पाई हमने योग के प्रति पाई। और दीदी ने अचानक मेरे को एक दिन बोल दिया कि आप कमेंट्री करवाइए, तो मैंने कहा मेरे को तो दीदी कमेंट्री आती नहीं, तो दीदी ने कहा नहीं नहीं आप बोल सकते हो कमेंट्री, आप क्यों नहीं बोल सकते हो, बोलो कोशिश करो। एक छोटी सी कमेंट्री बुलवाई, फिर वो मेरे से रोज़ लिखवाते थे, आज जो पढ़िए आपने मुरली उसके ऊपर कमेंट्री लिख के लाना, कल भी लिख के लाना, फिर कोई नवरात्रे आ गए कुछ भी आता था तो जो कमेंट्री के अंदर आगे बढ़ाया। और उस कमेंट्री से मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरा योग बल बढ़ने लगा, मेरे को योग में वो अनुभूति होने लगी जो मेरे को कभी ऐसे इतनी अनुभूति, जब जैसे बाबा कई बार कहता आप अनुभूति कीजिए लेकिन इतनी ज़्यादा अनुभूति नहीं होती थी मेरे को। तो दीदी से मिलकर मेरे को सबसे ज़्यादा वही मिला कि हम आगे उसी में योग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम बीके शिवली बहन। पिछले 25 वर्षों से ईश्वरी ज्ञान में है और ये मैं अपना एक परम सौभाग्य मानती हूँ कि विगत 21 वर्षों से ये आदर्श मूर्त, उदाहरण मूर्त, नम्रता और निर्माणता की प्रतिमूर्ति हमारी आदरणीय दीदी जी के साथ एक सुंदर सेवाओं का सफर रहा। सदा हमने उनके अंदर त्याग, तपस्या, ममता की एक मूर्ति देखी और कई प्रकार की सेवाओं में सीखा कि हर परिस्थिति का किस तरह डटकर हमें मुकाबला करना है, कभी भी हिलना नहीं है। और उनका ड्रामा के ऊपर कहो, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा के ऊपर कहो, इतना अथक अटल विश्वास है कि उनको देखकर हमारे अंदर भी सदा वो उमंग, वो उत्साह आता है। उनका सोचना, बोलना और करना, तीनों के अंदर हमने समानता देखी और इस ईश्वरीय यज्ञ के प्रति एक समर्पण भाव, एक नामी और इकोनॉमी का बहुत अच्छा बैलेंस है दीदी जी का। और किस तरह से अपने छोटों को या अपने बड़ों को या अपने सेवा साथियों को प्यार से सिखाना है, आगे बढ़ना है, ये विशेषता हमने उनके अंदर एक विशेष रूप से देखी। साथ ही साथ जहाँ पर वो प्यार की मूर्ति है वहीं वो एक शक्ति स्वरूपा भी है, जिसको हम कहते हैं लव और लोक का एक बैलेंस है। जहाँ दीदी को हमें शिक्षा देनी होती है वो बड़े ही प्यार से, नम्रता से खुद कर कर हमें सिखाती हैं और अवश्य ही हम उनकी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर कर आगे बढ़ रहे हैं और अपना उमंग उत्साह बढ़ाते जाते हैं।
ओम शांति। ओम शांति। मैं सिया पिछले 6 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हूँ। जिस तरह आशा दीदी अपने मनसा वाचा और कर्मणा में एक रस होकर जीवन व्यतीत करती हैं, उसी तरह हम भी उन्हीं की तरह अपना जीवन कैसे जीते हुए त्याग और तपस्या की मूरत बने और सबको सुख और आनंद प्रदान करें, यही हमको सीखने को मिलता है। और ईश्वरीय सेवा में जितना हो सके समर्पित होकर अपना सहयोग प्रदान करें। मैं एक मंजू मेहता हूँ और दीदी की विशेषता ये है कि हमें बहुत माँ की तरह पालना करते हैं। रोज़ हम रेगुलर कभी आने में लेट सेट हो जाते हैं तो दीदी फ़ोन करके हमें बुलाते हैं और हम बहुत अच्छी तरह से दीदी के साथ का साथ का अनुभव करते हैं कि दीदी नहीं होते तो हमें अजीब सा महसूस होता है और सभी दीदी हमें बहुत अच्छे से प्रेम से पालना करती है हमारी। Yeah.